वो एक स्टेट्समैन दूरदर्शी व्यक्तित्व, सबको देश का प्रबंध, अर्थव्यवस्था में सुधार, सुख और शांति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, किसानों और गरीब आदमियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं, ये एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने करते दिखाया। एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है जोशी जी अभी, वो तो कैसा नहीं है, लेकिन उनकी उनके व्यक्तित्व का प्रभाव तो आज भी हमारे ऊपर है, उनकी छाया में अभी भी हम काम कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर और ख़ास तौर पर कोएलिशन कैसे चलता है और देश के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, उनको सबको साथ लेकर कैसे उनका सामना किया जा सकता है, ये आज भी उनके कर्तृत्व से और उनके व्यक्तित्व से हमको मार्गदर्शन मिलता है। और उनकी राजनीतिक सक्रिय उपस्थिति हो या न हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका हमारे बीच में मौजूद रहना, यही हमें मार्गदर्शन के लिए काफ़ी सहायक होता है। मैं आशा करता हूँ कि वो दीर्घकाल तक हमारे सबके साथ रहेंगे और इस देश को चुनौतियों से, वर्तमान चुनौतियों से सामने का सामना करने की हमको क्षमता देते रहेंगे और सारे देश के राजनीतिज्ञों को ये एक शिक्षा देगा उनका चरित्र कि किस प्रकार से एक स्टेट्समैन देश को आगे ले जा सकता है। थैंक यू सर।